अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज ऐसी बात करने जा रही हूँ जो आप बड़ा रिलेट करेंगे मुझसे, स्पेशली जब मेहमान आ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम और आप सिर्फ सिर्फ आँखों के इशारों से समझ जाते हैं वो बात। जैसे घर पर जब मेहमान आ जाते हैं तो अम्मी की आंखें बता देती हैं कि अभी बैठना है या फिर उठकर जाना है। सही है ना? और कभी कभी प्यार का इजहार भी आंखों से हो जाता है। कहते हैं कि इंसान जब झूठ बोलता है तो आंखें नहीं मिला पाता, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलते, आंखें सब बता देती हैं। किसी की आंखों में देख कर आप जान सकते हैं कि आंखों में कितनी सच्चाई है, क्या वो इंसान सच बोल रहा है या फिर वो इंसान बहाने बना रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। इन आंखों पर क्या खूब कहा है, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई। आंखों की हर अदा खूबसूरत है। कुछ लोग अपनी आंखों को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि नेचुरली उनकी आंखें एकदम खूबसूरत होती हैं, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव, जो कुछ कहे बगैर ही बहुत सारी बातें कर देती हैं। अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी जाने का टाइम हो गया, नहीं नहीं थोड़ा और बैठो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ सिर्फ आँखें बता देती हैं। और हमारी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं प्यारी सी सज्जन मौजूद है, ज्यादातर आप इनको मॉर्निंग शोज में नहीं देखते, बिजी हैं, काम इतना कर रही होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत इनको खींच लाई है ना, ऐसा ही। अच्छा, बहुत प्यारी लग रही हो सज्जन, यू लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। अच्छा सज्जन, आंखों के बारे में सिर्फ मैंने तो तारीफ नहीं की होगी, बहुत से लोग करते होंगे। जब इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था तो आंखों के बारे में तारीफ हुई थी? अच्छा, वो इंडस्ट्री में रखने से काफी साल पहले जब मैं पैदा हुई थी तब बड़ी बड़ी आँखें, तो मेरी अम्मी कहती थी कि तुम्हारे लिए वो गाना है, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स आँखों पर मिलते रहते थे। और मेरी आँखें, मुझे मेरी अम्मी की आँखें बिल्कुल ऐसी थी, तो ये उनसे मुझे मिली हैं खूबसूरत आँखें, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा वो हसीन थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मम्मा के आगे। इतनी सी प्यारी सी सज्जल, इतनी बड़ी सज्जल बन गई, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई। तो ये हुआ कैसे, कब आई ये सज्जल, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, किस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में, क्यों, क्या कभी शुरू से सोचा था एक्ट्रेस बनना है? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था एक्ट्रेस बनने का, तो सवाल मतलब दूर दूर तक पैदा ही नहीं हो, ना हो रहा था ना होना था, ना सोचा था। हाँ। लेकिन अच्छा, ये मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं अभी कहाँ हूँ और मैं कितनी हूँ, कितनी बड़ी हूँ या कितनी छोटी हूँ। मुझे घर वाले ज़मीन पे रखते हैं कुछ, अम्मी ने बहुत मुझे ज़मीन पे, ये और मैं कुछ कह भी देती थी ना कि घर में, अच्छा मम्मा मैं अभी ये करूँगी, तो वो मुझे कहती थी, देखो तुम सज्जल अली होगी दुनिया के लिए, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे लिए तुम वही सज्जल हो, तुम मेरे लिए स्टार नहीं हो। वो कुछ भी मैं छोटी सी कोई बात कर दूँ या किसी बात से मना कर दूँ या हाँ। तो यही कहती, काफी तो फोन पे भी प्रोडक्शन वालों से बात करती हूँ, अगर वो सुन लेती थी कि अगर कभी रूड हो जाओ तो उस पर भी डांट पड़ती थी, बहुत ज्यादा बहुत डांटती थी। या अगर मैं किसी किसी जगह पे कहीं हम लोग गए हैं, कुछ खाना खाने गए हैं या किसी, तो फैंस आते थे और कभी मैं तंग भी हो जाती थी कि ओ नहीं तस्वीर नहीं, और तो वो मुझे कहती थी कि यही लोग हैं जो तुम्हें सज्जल, तुम घर आके मुझे इतनी मम्मा बातें सुनाती थी, बाबा भी कि बेटा ये तुमने आज, उनको याद रहता था कि किस इंसान से मैंने, किस फैन से किस तरह बात की है, उन लोगों को याद रहता था। तो कुछ चीज़ें लाइफ में अनप्लान्ड होती हैं, और मुझे लगता है कुछ नहीं, सब कुछ ही आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने, अल्लाह के, क्योंकि बिगर प्लान्स हैं ना उनके और बेहतर प्लान्स होते हैं। तो मुझे ये था कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगी जब मैं छोटी थी, और पता नहीं क्यों मुझे जिस तरह पॉलिटिशियंस बात करना और वो ड्रामेबाजी, मुझे शायद मैंने एक्टिंग में आना था, इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक्टिंग से। तो मैं यही सोचती थी मैं पॉलिटिशियन बनूंगी। तो किसी को आप इमिटेट कर सकती हैं, किसी पॉलिटिशियन को? नहीं, अब नहीं कर सकती। पहले करती थी? पहले भी नहीं, बस उनकी तरह बैठना और जिस स्टाइल होता है बात करना,
मुझे बात करने का बहुत शौक था, लेकिन ये कभी एक्टिंग का नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्सीडेंटली जब मैं कराची आई तो मैंने ऐसे ऑडिशन दिया, ऐसे ही पहला ऑडिशन जब मैंने दिया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि आवाज़ बहुत पतली है। अच्छा। और ऑब्वियसली तब नहीं पता था कैसे डायलॉग बोलने हैं, और यू नो तब वो पतली सी आवाज़ और वैसे यू नो एक्टिंग यू नो हम डरी हुई और एक्ट करते थे कि जज भी कर रहे होंगे क्या हम सही क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होना था, रिजेक्ट कर दिया। बट फिर मैं मुझे किसी ने कहा कि सिक्स सिग्मा जो हुमायूं भाई की प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, और मैं चली गई। मैं भी पहली दफा रिजेक्ट ही हुई थी, हैं दिल मुस्तर के लिए ही। हाय हाय, लेकिन वो इतना अच्छा रूमी इंशा या डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको पहले दिल मुस्तर करना था। तो मैं नई नई आई थी, डरी हुई लड़की ना, तो मुझे नीना ने बोला था कि ऑडिशन दे दो। मैंने कहा भाई मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना, लेना है तो लो वरना मुझे काम नहीं करना। तो उसने कहा नहीं नहीं दे दो ना प्लीज। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी माओं का, अपने बाप का, अपनी फैमिली का ये मत सोचें कि हो जाएगा, इनके पास बहुत वक्त है। क्योंकि हम यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचती थी कि मम्मा के पास बहुत टाइम है, अगर वो नॉक कर रही हैं उन्होंने कहा बेटा खाना यू नो एक निवाला, तो मैंने नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। नहीं, माँ बाप जो कह रहे हैं वो करें, क्योंकि माँ बाप के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। वैसे तो ज़िंदगी का नहीं पता किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। मैं बहुत से लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं जानती। बाबर की ये जो बाबर हमारे एक्टर हैं उनकी वाइफ सना रिमेंबर, उनको भी याद रखें। लेकिन जब भी दुआ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कौन कौन था जो टीवी पे आया था जिसकी रिसेंटली हो गई, तो मैं सबको दुआ में याद ज़रूर करती हूँ। क्योंकि आज मैं ये सोचती हूँ अगर मैं किसी को कर रही हूँ ना, जब मैं नहीं होंगी तो कोई ना कोई होगा जो मेरे लिए भी हाथ उठाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इन सबको दुआ में याद रखें। अब मैं आपको एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर खेलने वाला हूँ, आपको जो दिल में आ रहा है आपने बोल देना है, ठीक है? कौन सा ऐसा एक्टर है जिनके साथ आप करना चाहेंगी अगली फिल्म, फवाद मिकाल या हुमायूं सईद? मिकाल। मिकाल, ठीक है। क्यों फवाद, हुमायूं क्यों नहीं? पता नहीं, हुमायूं भाई काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्यूट, सही है। आपकी नज़र में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रेट करो 1 से 3, माहिरा खान, आयशा खान, माया अली। आयशा खान 1, देन माहिरा, माहिरा 2, माया 3, ठीक है। कौन सी फिल्म है आपकी नज़र में बेस्ट? जिंदगी कितनी हसीन है, बिन रोए, एक्टर इन लॉ? एक्टर इन लॉ, एक्टर इन लॉ नंबर 1। तो अथर बैंड आप क्यों पे हैं? सज्जल बहुत प्यारा गाती है, तो हमने सुनना है ज़रा सा। आपने खुद बोला है सब गवाह, मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, क्या सुना रही है थोड़ा सा? मैं क्या गाऊँ, कुछ एक लाइन ही गा पाऊंगी, कोई दो लाइन गा दो, बता दो उनको ताकि वो फिर साथ में। कौन सा? तुम बता दो ना, तुम्हारे पास है तो कोई अतर। अच्छा, मैं एक लाइन, मैंने कुछ काफी दिन से मैं गाना सुन रही हूँ, माँ का गाना है एक। हाथों की लकीरें सवर जाएंगी, मैं भूल गई, गम की ये अंधेरी पिघल जाएंगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी ही देखने वाले हैं आज रात 8 बजे पहली एपिसोड जी। आज मुझे भी अभी वैसे पता चला, वही मैं परेशान हो गई, आज रात 8 बजे मुझे भी अभी पता चला, और मैं आपको देख रही हूँ कि आपने मुझे बताया नहीं आज रात आपका ऑनर हो रहा है। मुझे भी आपने ही बताया, आज रात ही बताया। ओके, अब मैं बुलाने जा रही हूँ सज्जल, तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन एक वेरी यंग टैलेंटेड हैंडसम नौजवान, उनको बुलाने जा रही हूँ।
इनको आपने पहले भी हम टीवी की स्क्रीन पे देखा है ड्रामा सीरियल समी में, और अब आप इनको यकीन का सफर में देखेंगे। जोरदार ताली में बहुत मोहब्बत के साथ बुलाते हैं अहद रजा मीर को। खुल के जीलो यार, जीलो जीलो यार, फिर न आएंगे चार दिन है चार। जन्नत होगी, जन्नत होगी पूरी तेरी मन्नत होगी, चल तराजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंगता हासा दुनिया खेल तमाशा, है मलंगता हासा दुनिया खेल तमाशा, है मलंगता हासा दुनिया खेल तमाशा। वेलकम टू जागो पाकिस्तान जागो। थैंक यू। पहली दफा मुलाकात हो रही है। हाँ जी। और बहुत सी लड़कियों के जहन में, बहुत सब लोगों के जहन में यही सवाल होगा जो मेरे जहन में, जो मैं आप करने जा रही हूँ। आसिफ रजा मीर के बेटे हैं आप। हाँ, तो ऐसा लोग ही नहीं सोचते, हाँ अब्बू इतने बड़े एक्टर प्रोड्यूसर तो बेटे को तो काम मिलेगा, ये होता होगा? जी ऑफ कोर्स होता होगा, लोग सोचते भी होंगे, बट बुरा लगता है? नहीं बुरा नहीं लगता, इट्स प्रूव करना है, प्रूव करना कर रहा हूँ कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये मैंने खुद अपने बल अपने आई मीन वरना आप उनके प्रोडक्शन हाउस में भी आराम से काम कर सकते थे। हाँ कर सकता हूँ, बट आई मीन ऑब्वियसली जो मैं पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ वो है मोमना दुरैल, शी इज़ फॉलोड माई करियर फॉर अ वाइल। मैं पहले कनाडा में काम करता था, तो यू नो शी इज़ ऑलवेज फेल्ट के मेरे अंदर कुछ है, सो शी इज़ पुट लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी, तो इस वजह से आई एम हियर। बट इन टर्म्स ऑफ माई फादर वो तो है, एंड आई एम गोना प्रूव माई सेल्फ। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं आप दोनों यकीन का सफ़र में सफ़र कर रहे हैं, कैसा सफ़र था? सफ़र था या सफ़र था? सफ़र था, सफ़र था, दोनों था। आई नो मुश्किल हो जाता है। सो आपका कैरेक्टर क्या है? जी हाँ, मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही हैप्पी गो लकी फन डॉक्टर बन रहा है। अच्छा डॉक्टर बन रहा है, दोनों हंस क्यों रहे एक दूसरे को देख के? एक तो जब भी सज्जल के साथ कोई भी कोएक्टर आता है वो हंसने लगता है इसको देख के। या बहुत अच्छा कैरेक्टर है, द स्टोरी इज वेरी नाइस, स्टोरी इज गुड, बहुत एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी। ओके, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, आपको पहले एपिसोड से पता चल जाएगा कि देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। अच्छा बहुत कुछ है, तो मुझे प्लीज थोड़ा तो बताओ ना कि आप डॉक्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं? बन रहा हूं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं ये बताना था? और पता नहीं क्या, फिर से दिखा प्लीज, फिर से दिखा, मैंने फिर से देखना है, बहुत हैपनिंग लग रहा है, लग रहा है कुछ इंटेंस हो रहा है, और I would like to meet this girl. Is that possible? हमारे मुल्क में कानून और अदालतें मौजूद हैं। मैं आपके कानून को उस रोज मानूंगी जिस दिन जहांगीर शाह और उसके दोनों साथियों को सजा मिलेगी। तो आपको परेशान करने होंगे। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। औरतों के हकूक का ठेकेदार इज्जतों का लुटेरा भी कहलाए तो बहुत बुरी बात है ना? रब नवाज शाह के खिलाफ दुश्मनी मत लो। कई एकड़ तरह जमीन उनके बाप को मिली है। शर्म आनी चाहिए। फिर मैं ये जंग हारा भी तो लड़ते हुए हारूंगा। वाओ। अच्छा। तो सजल आपकी एंट्री, आप लोग रिलेटेड हैं किसी तरह से? आपका और आपका क्या है? बन जाएंगे हम लोग शायद, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कुछ वक्त के बाद होगा, लेकिन होगा। बेसिकली इसमें, इस कहानी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ कनेक्टेड हैं और चल रही हैं। ओके, तो ये एक वो बोरिंग सीरियल नहीं है जिसमें एक ही कहानी चल रही है और आखिर 24th एपिसोड को जाके पता चलता है अब क्या होने वाला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स आर एंगेज्ड, बिजी, कभी किसी के घर में कुछ हो रहा है, कभी किसी, आई गारंटी यू फर्स्ट एपिसोड से सब बहुत एंगेज्ड कौन हो जाएंगे, क्योंकि really? इन्होंने फर्स्ट एपिसोड देख लिया ना? आपने देख लिया पहला एपिसोड? नॉट फेयर। अच्छा आप वो वाले एक्टर हैं ना जो अपना काम करने के बाद यार दिखाए तो डायरेक्टर, देखना चाहिए यू नो, ताकि एडिट पे बैठ के पूरा देखा, मजा आया, फाइनल फाइनल कट देखा, फाइनल कट देखा। ओह वाओ, सो इट्स गुड। तो ये है भी फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ, और वो लिखती भी इतने खूबसूरती से, लिखा हुआ मैं पहली दफा
कर रही हूं। अच्छा पहली दफा आप कर रहे हो। उनके साथ उनका लिखा हुआ भी फर्स्ट टाइम कर रही हूं और शहजाद सर का भी शहजाद डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम। और आप दोनों का भी पहली दफा एक साथ? दोनों का भी पहली। इससे पहले मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मेरे शो पे पहली दफा मुलाकात हो रही है। हाँ हाँ, इसने हाँ बोला। मैं जानती हूँ आप लोग का भी स्पेल रहता है। लेकिन हमने एक दिन शूट किया, एक दिन शूट किया। तो सज्जल के साथ काम करना कैसा लगा? ओके, सच बोलूँ? हाँ, बहुत ही इंटिमिडेटेड था। अच्छा? हाँ, क्योंकि I've watched सज्जल for years, you know, she's been on TV for a while, so she's, I think, इस इंडस्ट्री में one of the strongest actresses. Thank you. तो इस वजह से the लड़के बहुत कम तारीफ करते हैं ना, करते Actually, तो अच्छा लगता है। convincing actors, I think. तो उनके सामने एक्ट करने से आपने अपने अंदर कोई चेंज देखा? यू फेल लाइक यार ये तो बहुत अच्छे डायलॉग्स है, ये तो होता ना कि सामने एक्शन रिएक्शन। शुरू में तो मैं बस ये सोचो कि सज्जल अली के साथ अभी एक्टिंग करने वाला हूं, you know, अच्छा? वो डायलॉग चल रहे हैं, like, oh my God, it's exciting. But she's a lot of fun, she's very engaging to work with. Attitude तो नहीं है कि मैं सज्जल अब तो मैं मूवी भी करके आई हूँ? बिल्कुल नहीं, पर इट्स मैंने बहुत एंजॉय किया। नहीं एक्चुअली थैंक यू आहत, थैंक यू सो मच। इतनी मेरी पर आहत साथ जो मेरे सीन्स हुए हैं, और ऐसा बहुत कम होता है कि आपको लगे कि हम सच कुछ ऐसी सिचुएशन, यू नो, ये सच हो रहा है। तो यू नो हमारे एक दो सीन्स थे और इन्होंने खुद इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि इट्स अबाउट यू नो एक्शन एंड रिएक्शन। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द ओएसटी, तो सुनाएं सब लोग को इसका ओएसटी। चल के देखते हैं जी, मुझे भी दिखाएं। और हदीका के आने की आवाज है। यकीन का सफ़र, ये जो गाना पीछे आप सुन रहे हैं ये ओएसटी है यकीन का सफ़र का, और हदीका कियानी ने बड़ी खूबसूरती से गाया है। एंड यकीनन अब से कुछ अरसे तक, जब तक ये ड्रामा सीरियल ऑन एयर हो चल रहा होगा, तो हर इंसान के लिए, हर किसी के ज़बान पे यही गाना चढ़ा हुआ होगा। बहुत प्यारा गाना है। हदीका, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब मेरे पास मेरे दोनों एक्टर सामने मौजूद हैं, सज्जल और अहद, और कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगी। आप लोगों के हाथ में बोर्ड्स हैं, ठीक है? बीच में हमने एक दीवार, समाज की दीवार खींच दी है, ठीक है? तो आप लोगों से सवाल करूंगी। आपके पास आहत लिखा है, आपके पास सज्जल लिखा है, जो भी आपको लगता है फिट बैठता है, जिस पे आपने वो साइड दिखानी है। सबसे पहला सवाल, सेलिब्रिटी जो नखरे ना करे वो सेलिब्रिटी नहीं, ऐसा कौन समझता है? दोनों के जवाब उल्टे हैं। आहत का जवाब है सज्जल, सज्जल समझती है आहत। मैं तो सच कह रही हूँ। आहत को लगता है कि अगर आप नखरे ना करें तो सेलिब्रिटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको लगता है सज्जल ऐसे करती है? बिल्कुल। आहत याद है आप मुझे इस बात पे कितना लंबा आपने मुझे लेक्चर दिया था कि यू नो थोड़ा नखरे दिखाया करो यार। नेक्स्ट, मेकअप के बगैर हुस्न है फीका, ये कौन, ऐसा कौन सोचता है? क्या सवाल? मेकअप के बगैर हुस्न है फीका, मतलब मेकअप करना जरूरी है, ऐसा कौन सोचता है? दोनों ने सही बोला, सज्जल। तो सज्जल तो मेकअप बहुत कम करती है, टाइम लेती है मेकअप में? नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप, जैसे अब किसी सीन में खूब पिटाई हुई है तो उसके लिए भी मेकअप होता है ना, चोट नहीं, तो कुछ लोग के कुछ लोग के होते हैं ना उसमें भी वो वाला मेकअप, अच्छा लगने वाला मेकअप। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही जब मैं रोती हूँ तो मेरी नाक सबसे पहले लाल हो जाती है। आपको नहीं, वो आप ब्लश ऑन नहीं लगाती? नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती, खुद से हो जाता है। कुछ लोग लगाते हैं ना ब्लश ऑन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरों के डायलॉग्स तो सबको याद रहते हैं लेकिन अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते। दूसरों के डायलॉग्स सबको याद है, अपने भूल जाते हैं क्या? सज्जल को दूसरों के डायलॉग्स याद रहते हैं लेकिन अपने नहीं रहते। मेरे डायलॉग्स याद हैं, अपने नहीं। और अहद को भी सज्जल के डायलॉग्स याद रहते और अपने नहीं रहते। अहद, वो तो चलो उसको काफी अर्सा हो गया, वो याद रख सकती है, अपने भूल सकती है, लेकिन तुम भी भूलने लगे, थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आप में से कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो कहता है कि लेट आने से ही वैल्यू बढ़ती है? फोन। ओह माय गॉड, सज्जल लेट आती हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने सुना है वैसे
नहीं मैंने नहीं सुना वैसे नहीं हम दोनों वी आर ऑन टाइम हम दोनों बॉट टाइम दोनों दोनों ठीक है ये क्या है वैसे बताओ सॉरी अब सब मैं अपना नाम तो आप गलत बोल रहे हैं आहत क्योंकि आप लेट आए मेरे शो पे सज्जल पहले आई है तो आप लेट आते हो ये पहले एक पूरा घंटा मेरी टीम को इंतजार करवाया इन्होंने इनको लगता है कि बिल्कुल नो 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 नहीं चलता है हमें तो आदत सी हो गई नए एक्टर्स जब आते हैं तो वो थोड़ा लेट और यू नो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उनका थोड़ा सही बात है अच्छा इसी तरह हम लोग स्टार वैल्यू अपनी वैल्यू अच्छा मिकाल कभी भी टाइम पे नहीं आता और मिकाल आराम से लेट आता है हम लोग ने एक साथ किया था सुबह का सितारा और लेट आके फिर उतने आपको गुस्सा भी नहीं आता ना उस पर हाँ यार लेट हो गया था यार मैं तो तभी उठता हूँ जब गाड़ी मेरे घर के बाहर होती है तब मैं सो के उठता हूँ नहाने जाता हूँ मुझे सिखा रहा था तुम भी ये किया करो मैंने कहा अच्छा अच्छा मैंने भी आई वर्क विद हिम लेकिन वो उनकी अपनी प्रोडक्शन थी तो मेरे ख्याल से इस वजह से टाइम पे आ गए आर यू सीरियस ओके ठीक है तो हम बात करें यकीन का सफर की उनके एक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो हम अब इनसे आपका हमारा अगला सवाल ये है कि कौन है जो डायरेक्टर को बहुत बटरिंग करता है शहजाद कश्मीरी को आहत करता है क्यों दोनों कह रहे हैं हाथ किस तरह सवाल बहुत पूछता हूँ सवाल कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर के बारे में सवाल करता हूँ या मैं ये पूछता हूँ कि हाँ ठीक किया है नहीं किया है और मैं बहुत रिटेक्स करता हूँ इन अ गुड वे मैं कहता हूँ कि मैं एक और दफा ट्राई कर लूँ तो शहजाद भाई तो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता जो जो स्क्रीन पे आता है उसी का फर्क पड़ता है तो जितने भी रिटेक्स रहने दे दो शहजाद भाई ये वो बहुत बहुत ट्रस्ट करते हैं बहुत ट्रस्ट करते हैं वो आपको मार्जिन देते हैं कि कर लो और मैं पूछता हूँ कि मैं ये ऐसे ट्राई कर लूँ हाँ करो कभी कोई ऐसा सीन आया गुस्से वाला या जब जिसमें गुस्सा हो आहत आपको गुस्सा दिखाना हो या फिर रोना हो आप कोई ऐसा सीन आया आई एम श्योर एक्ट करके बताया होगा जब तो उस वो जब सीन हो रहा होता है तो अगर आपने शहजाद भाई को कभी देखा हो तो वो भी होता है हाँ वो भी वो बिल्कुल वो मतलब वो एक्ट कर रहे होते हैं कैमरा की वीडियो और रोने का सीन हो हां साथ साथ एक्ट करते हैं अगर मुझे रोना नहीं आ रहा मैं बस उनको देखता हूं फिर रोना शुरू हो जाता है इट्स ग्रेट शहजाद भाई तो एक्टर से ज्यादा वो सीन में चले जाते हैं वो कहते नहीं मैं इसमें ये तुम ये बोलो क्योंकि ऐसे और ऐसे मतलब उनको देख के हम लोग पीछे अगर मेरा सीन नहीं होता वो किसी और को यू नो डायरेक्ट कर रहे होता है वो देख रहे होते हैं तो उनको देख के बड़ा मजा आता है मगर ऐसे और वो तो मेरे मुझे रुलाने के लिए तो वो गाना लगाते थे कोई सैड सा लगा देते हैं वो लगाते इतना माहौल बनता है ना उससे अच्छा शुरू में तो मैंने कुछ सीन जैसे कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी ज्यादा एक्टिंग क्योंकि मेरे हाथ भी बहुत चलते हैं बहुत एक्सप्रेशन तो उन्होंने बड़ा मिनिमाइज कराया उन्होंने कहा नहीं चाहिए ऐसे बोलो और वो मुझे वो वाली सज्जल नहीं चाहिए मुझे नई सज्जल जो कि बहुत कम लोगों में वरना लोग कहते हैं जैसे तुम रोती हो ना जैसे उस ड्रामे में रोई थी बिल्कुल वैसे ही रो दो सज्जल तो सही बहुत डिफरेंट काम चलाते हैं किसके पास है बहानों का पैंडोरा बॉक्स सज्जल के पास आहत के पास ठीक है एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं किसको काम से ज्यादा रहती है गर्मी की फिक्र गर्मी हो गई है शूट करें सज्जल को क्यों सज्जल हाँ भाई हाँ क्यों सज्जल काम नहीं करना क्या क्योंकि गर्मी हो गई है और हमारा काम ऐसा है कि अब बाल एक्सटेंशंस लगे हुए सीरियल में एक्सटेंशंस नहीं मेरे अपने माशाल्लाह से बाल हैं काफ़ी अच्छे और लेकिन हमारे काम में पंखे भी बंद एसी भी नहीं चलना गर्मी। तो वो तो हम लोग हर पूरा दिन गर्मी में और लड़कों के इतने लंबे बाल होते नहीं सो यू गाइस आर लकी एक्चुअली नहीं सीरियल में मेरे भी काफ़ी लंबे बाल थे जी आपने देखा वो आप थे या इतने लंबे बाल नहीं इतने थे पोनी बनाई हुई थी ना हाँ किसी ने पोनी है किसी में लंबे बाल वाओ तो गर्मी लग रही होगी या वाओ बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट लग रहा और इन्होंने इस सीरियल के लिए ये बाल कटवा दिए याद रखें आप मेरी बात इस सीरियल के लिए या ठीक है जी थैंक यू सो मच वी डन प्लीज इधर आ जाए साथ हमारे पास एक और आपके ही को स्टार हैं जिनकी कॉल हमारे पास मौजूद है हेरा की तो हेरा से बात हेरा और आप क्या वो आएंगे नहीं वो फंस गई ना कहाँ फंस गई हाईवे पे फंस गई इतनी देर से ट्रैफिक में बेचारी अल्लाह मुझे लगा हैदराबाद से आ रही थी शूट थी मेरे ख्याल से अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम हेरा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम इतनी एनर्जी इतनी धूप में हाईवे में फंसने के बावजूद भी
क्या बात है जी सनम, आपके शो पे तो एनर्जी होनी चाहिए ना बहुत। क्या बात है भाई, मुझे बताओ। और ये इतनी प्यारी सी जो सजल बैठी हुई है, मेरी जान सी, क्यूटू सी, बेबी सी, आई कैसी है सजल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों नहीं आई? सजल मैं बस बहुत बुरा फंस गई हूँ, अभी हम रुके हैं यहाँ पे डंकिन डोनट पे। मैंने कहा मुझे कुछ खाने दो, मैं पिछले 2 घंटे से गाड़ी में चढ़ रही हूँ और हम मटियारी गाँव में थे। खैर वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मुझे बताओ ये प्ले आपके साथ मेरा पहला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप जो है वो रेटिंग की किंग है, आपको पता है बात? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैंने शहजाद सर को भी बताई, आप इतनी अच्छी लग रही हैं, मतलब मैंने आपके और भी काम देखा है सब में बहुत, लेकिन इसमें आप कुछ कमाल, कुछ जो रोमांस आया ना आपका, वेल है सजल। बस यार मैंने अच्छा। इतने सजल है मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही करूं यार, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और आपके साथ मुझे प्ले करने का मौका मिला तो डेफिनेटली क्यों नहीं, मैंने भी इसमें जान मारी है। हमारे साथ आहत भी मौजूद है। मैं भी बैठा हुआ, प्लीज। अरे आहत कैसे हो तुम? अरे आहत कैसे हो तुम? आहत के बारे में भी आप कुछ बोले। देखे आहत, आहत एक बहुत अच्छा इंसान है और आसिफ रजा मीर जो है वो मैं उनको बहुत ज्यादा रिगार्ड करने लगी हूँ जब से मैं आहत से मिली हूँ। रीजन ये कि उन्होंने इतनी अच्छी बेट की अपने बेटे की, जब से मैं और से मैं चाहती हूँ और रिगार्ड करने लगी हूँ क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है, ये बोलनी है आपकी बात हो ज्यादा। ये थोड़े अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, इनको मैं थोड़ी चलिए उर्दू में क्या बताऊँ। आज मैं कहने लगी हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके साथ मुझे बड़ा मजा आया काम करके और मैंने बड़ा एंजॉय किया। आज बिल्कुल ऐसे कि फैमिली की तरह है और कभी भी इसमें कोई टेंशन नहीं है, टिश्यू भी खुद उठ के यूज कर लेगा, पानी भी किसी को दे देगा, किसी को सेट पे पीना होगा, कोई सोफा बिलावर में पड़ा होगा तो एडीज आके नहीं उठा रहे होंगे, आहत को टांग से पीछे कर देगा। तो ये आहत एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है और हमारी इंडस्ट्री में शुक्र है ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें कोई टेंशन नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, वो सिर्फ काम कर रहे हैं और इसमें मैं बहुत खुश हूँ ऐसे लोगों के साथ कि मुझे मौका मिला काम करने का। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तमाम लोगों को बताती चलूं आज रात 8 बजे यकीन का सफ़र ज़रूर देखिएगा। लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग सीरियल शहजाद कश्मीर ने डायरेक्ट किया है एंड फरत इश्तियाक का ने लिखा है, बहुत खूबसूरती से लिखती है, उसके साथ आपका जो तोहफा है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा? आई मैं आपको दिखाती हूँ, हमने खालिद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने सज्जल के लिए उनकी अम्मा की का स्केच किया है। सज्जल इसको पकड़ के आप घुमा के स्क्रीन पर दिखाएँ, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। और ये भी साथ में दिखाओ, ये वाली तस्वीर। थैंक यू, बहुत प्यारा। आपको खालिद साहब बहुत अच्छा लगा है, मैं लगाऊंगी अपने कमरे में। जरूर आप लगाइए। अम्मी के साथ तो ऐसा होता है कि मतलब मेरी अपनी अम्मी, मेरे फादर की डेथ हुई, अम्मी ने जिस तरह से हमें रखा जी, तो बस माँ की जो माँ को तो बनाया अल्लाह ने ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को सजल की अम्मा को दुआ में याद रखिएगा एंड प्लीज़ इनका ड्रामा सीरियल देखें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ, नई बातों के साथ। खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा, उनके लिए बहुत सारी तालियां। आहार ऑल द बेस्ट, सजल ऑल द बेस्ट एंड पूरे कास्ट को ऑल द बेस्ट, इससे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।